नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर महागठबंधन के दलों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। आरजेडी जहां तेजस्वी यादव को पहले से ही मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी है, मुख्यमंत्री नाम का घोषणा कर दिया गया है, वहीं कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि आरजेडी ने अपने नेता का नाम बताया है, ये आरजेडी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय नहीं। कांग्रेस पार्टी का निर्णय इस बारे में होना बाकी है और इस पर निर्णय पार्टी के हाईकमान ही करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा ने यह भी कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। इस पूरे मामले पर प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, न गठबंधन के स्वरूप को लेकर, न आकार को लेकर, न नेतृत्व या चेहरा को लेकर। आरजेडी ने अपने नेता का नाम सुझाया है, आरजेडी ने अपना निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय इस बारे में अभी होना बाकी है। हमारे यहाँ नीतिगत फैसले पार्टी हाईकमांड करती है, तो सोनिया गांधी जी इस मामले में निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। कांग्रेस का मानना है कि जब उचित समय आएगा हम सभी गठबंधन में शामिल दल एक साथ बैठेंगे और अपने महागठबंधन का नेतृत्व चुनाव में कौन करेगा इसका फैसला ले लेंगे। तेजस्वी जी स्वीकार हैं आपको? तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और वो एज ए लीडर दो अपोजिशन बेहतर काम कर रहे हैं। जीतनराम मांझी जो आपके लोगों के सहयोगी हैं वो तो कुछ और ही रास्ते चल रहे हैं। जीतनराम मांझी जी गठबंधन के बड़े नेता हैं और हमें उम्मीद है गठबंधन के ही साथ रहेंगे और हमारा गठबंधन इंटैक्ट रहेगा। समस्या NDA में है, जहां नीतीश जी के खिलाफ भाजपा से जुड़े सरकार में शामिल कई मंत्रियों ने कई बिंदुओं पर ओपनली बयान दिया है। हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं, मतभेद NRC NPR को लेकर उनके यहां है, CA को लेकर उनके यहां है, महागठबंधन में ऐसी नौबत नहीं है। हम सब उस पॉइंट पर एकजुट हैं, हमें बिहार की वर्तमान सरकार के खिलाफ एक जुट होकर चुनाव लड़ना है और इन्हें सत्ता से बाहर करना है। पप्पू यादव कांटेक्ट में है उपेंद्र कुशवाहा ये लोग के साथ? सभी जो लोग हमारे साथ महागठबंधन में लोकसभा चुनाव में हमारे साथी थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी ही होगी। कांग्रेस मानती है कि वामपंथी पार्टियों को भी इस गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि हमारा गठबंधन का आकार और बढ़े ताकि हम मजबूती से लड़ें और BJP जदयू सरकार से बिहार को मुक्त कराए। तो महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो रार है वो देखी जा रही है। देखना ये अहम होगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महागठबंधन में किस तरह की गतिविधियां तेज देखने को मिलती है। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें नेशन भारत के साथ, साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।